क्या चांद और जमीन का वक्त एक हो सकता है? चांद का नया मयार वक्त तश्कील दिया जाए। अमरीकी खलाई अदारे नासा को नया टास्क मिल गया। अमरीका के दफ्तर साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने अमरीकी खलाई इदारे को चांद के मरकजी टाइम रेफरेंस सिस्टम की तश्कील की हिदायत दी है, जो इसके मुख्तलिफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज पर मबनी होगा। ओएसटीपी से जारी होने वाले एलामिया में दफ्तर की सरबरा अराती प्रभाकर का कहना था कि इन अवामिल के सबब जमीन के एतबार से बनाई घड़ियों से फी जमीनी दिन 58.7 माइक्रोसेकेंड कम होंगे। नासा के पास इस मुश्तरका मयार वक्त, जिसको अराती प्रभाकर ने कोऑर्डिनेट लूनर टाइम LTC का नाम दिया है, को तय करने के लिए 2026 तक का वक्त है। बाद अजां इस घड़ी को खला नूरित खलाई जहाज और सैटेलाइट इस्तेमाल कर सकेंगे। नासा के टॉप कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन ऑफिशियल केविन कॉगिंस का कहना था कि चांद के लिए बनाई जाने वाली एटमी घड़ी जमीन पर मौजूद घड़ी के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से चलेगी। गुज़श्ता बरस यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कहना था कि जमीन को चांद के लिए एक मुश्तरका घड़ी की जरूरत है, जहां एक दिन 29.5 जमीनी दिनों के बराबर होता है।